ये जरूरी है अपने अंदर की ताकत को पहचानना, साथ ही साथ अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानना। बिना खुद को समझे, बिना खुद को जाने जीवन में कोई भी सफल नहीं होता है। अगर आपको आपका प्रॉब्लम पता है तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल ही लोगे। सवाल यह है कि अपने अंदर के ताकत को कैसे पहचाने। जिंदगी हमें बेहतर बनाने के लिए हर दिन हर पल हमारे सामने मुसीबतें लाती है। आप खुद को अलग अलग सिचुएशन में रख कर देखो। आई एम श्योर आप कुछ को अच्छे से हैंडल कर लोगे और कुछ को हैंडल कर पाना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। वक्त रहते अगर आप अपने टैलेंट को नहीं पहचानोगे, मनचाहा फील्ड में नहीं जाओगे, तो ये श्योर है आप भविष्य में सिर्फ और सिर्फ पछताओगे। दुनिया में सबके अंदर ताकत है। जिसने समय रहते पहचाना वो आज सफल है। बाकियों को तो पता ही नहीं कि उनमें भी ताकत है। उनमें भी ताकत है कुछ बड़ा करने की। उनमें भी ताकत है इतिहास रचने की। उनमें भी ताकत है अपने नाम को एक ब्रांड बनाने की। इसलिए दुनिया में वही महान बनता है जिसे अपने ताकत का पता हो, जो मेहनत से खुद को कीमती बनाता है। लेकिन वो महान नहीं होता जो मुसीबत देखकर हार मान लेता है। मेहनत कीजिए, खुद को वैल्यूएबल बनाइए, अपने ताकत को पहचानिए, तभी आप महान बनोगे। आपका टारगेट, आपका जो लक्ष्य है, वही आपको सबसे बेहतर बनाता है, वही आपको महान बनाता है। फिर चाहे वो लक्ष्य किसी भी फील्ड का हो या कितना भी बड़ा या छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर टैलेंट है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। बस जरूरी है तो उसे पहचानने की। अगर आपको अपने टैलेंट का पता है तो उसे यूं ही वेस्ट मत करो, उसे सही जगह यूज करो। जो आपका टैलेंट है जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो, उसी में आगे बढ़ो। आज ही एक पेपर में नोट करो कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है और उस पर वर्क करो। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, तो कोई गाना अच्छा गाता है। जो आपका टैलेंट है, अगर आप उस फील्ड में नहीं जाओगे तो जीवन में सफल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। पर किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत करो, लगातार प्रैक्टिस करो, तो शायद आप उसमें अच्छा कर जाओ। लेकिन इसमें कितना वक्त लग सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और आप जिस फील्ड के पक्के खिलाड़ी हो, उसमें अपना झंडा गाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए चुनो वही मंजिल जो सिर्फ आपके लिए बना है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।